Hello guys, welcome back to my channel. My Hood Finger, and I made it to the 9th month of my pregnancy. Woohoo! और मैं हूँ super excited क्योंकि अब हम baby से सिर्फ इतना सा दूर है या इतना God knows. भले ही प्रेगनेंसी के कितने ड्रॉबैक्स हो, भले ही मेरी पीठ में दर्द हो, मेरे पेट में दर्द हो या मेरी लेग्स में पेन हो, बट एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है वो है मेरे बेबी का फेस. मैं अपने बेबी को देखना चाहती हूँ कि बेबी बॉय आएगा या गर्ल आएगी. येस, ऑब्वियसली थैंक्स टू इंडिया ये एंड तक सस्पेंस ही रहता है कि बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है. बट वी आर होपिंग फॉर अ क्यूट सी बेबी गर्ल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट पेन्स. क्योंकि मेरी टमी इतनी बड़ी हो गई है तो उसका सारा प्रेशर आ जाता है बैक पर, क्योंकि बैक को ही टमी को सपोर्ट करना पड़ता है. तो मेरे बैक की बैंड बची पड़ी है, साथ में टमी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है इस टाइम पर. और एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आजकल वो है मिरर देखना, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ तो मिरर देखना डजंट एक्साइट मी एनी मोर. ऐसा लगता है कि यहाँ से भी मोटी हो गई, वहाँ से भी मोटी हो गई, यहाँ से भी फैट्स लूज करना है, वहाँ से भी लूज करना है. ओ, इसलिए अब मुझे मिरर देखना पसंद नहीं है गाइस. और मुझे याद है कि जब मैं अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकंड मंथ में थी तो मैं यही सोचती रहती थी कि ओ दिस इज़ गोना बी सो पेनफुल, मैं बेबी कैसे डिलीवर करूँगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा. बट अब मैं इस स्टेज तक आ चुकी हूँ, 9th मंथ में मेरा ओवर होने वाला है. मैं 39th वीक प्रेग्नेंट हूँ राइट नाउ. और जैसे जैसे बॉडी की बैंड जैसे जैसे बॉडी की बैंड जा रही है, मैं तो बस यही सोचूं जल्दी से बेबी निकले, बेबी कब बाहर आएगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है. और उसी के साथ लोग भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं कि बेबी कब आ रहा है, या बेबी किक करता है या नहीं करता, या कितने किक करता है. तो लेट मी टेल यू गाइस कि इस स्टेज तक, इस लेवल तक बेबी ज़्यादा मूव नहीं कर पाता, क्योंकि बेबी टमी के अंदर जैम पैक्ड एकदम स्टफ्ड होता है. तो बेचारा बेबी इतना मूव भी नहीं कर पाता. तो किक पहले के कंपैरिजन में, 8th मंथ के कंपैरिजन में बेबी की किक्स काफ़ी कम हो गई है. और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तो फिर भी जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मूव भी कर सकती हूँ, बट मेरा बेचारा बेबी वो तो टमी के अंदर फंसा पड़ा है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल होगा और बेबी तो मूव भी नहीं कर सकता. और ये सब सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में बेबी टमी के अंदर काफ़ी अनकम्फर्टेबल रहते हैं, उनको स्पेस कम मिलता है और वो टमी के अंदर रोते भी हैं. तो ये सोच के मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती हूँ. और जितना मैं सोचती हूँ कि ये बेबी बाहर आए, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये बेबी बाहर आना चाहता होगा. एंड मदरहुड तो स्पेशल फेज होती ही है लाइफ की, बट उसी के साथ प्रेगनेंसी भी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेज होती है, क्योंकि हमारा छोटा सा बेबी, हमारा छोटा सा ह्यूमन बीइंग जिसको हमने आज तक देखा भी नहीं है, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो अनकम्फर्टेबल होगा, वो ऐसे होगा, वैसे होगा. तो ये वाला लव अनकंडीशनल है, ये वाली फीलिंग बहुत ही प्योर फीलिंग है. और हाँ, इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बेबी कब आ रहा है, व्हेन इज़ द बेबी कमिंग. तो गाइस, आई आल्सो डोंट नो कि व्हेन इज़ द बेबी कमिंग, क्योंकि कई कई लोगों का बेबी 37th वीक में भी आ जाता है, 38th में भी आ जाता है. और कई कई लोग मुझ जैसे भी होते हैं जिनका 39th भी ख़त्म होने वाला होता है, 40th स्टार्ट होने वाला होता है, या 40th वीक स्टार्ट हो जाता है तब भी बेबी नहीं होता. सच में ये इंतज़ार का भी इम्तिहान होता है. एंड गाइस, 9th मंथ से ही प्रेगनेंसी के हमारी टमी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, और कभी कभी ये पेन काफ़ी बढ़ भी जाता है. तो क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लेबर पेन एग्जैक्टली होता कैसे है. तो आई एंडेड अप कॉलिंग माय सिस्टर, मम्मी, और मैंने सनी को भी फ़ोन कर दिया था कि ओ माय गॉड, दिस इज़ फाइनली हैपनिंग, कम होम. बट एंड में वो सारी एक्साइटमेंट चौपट हो जाती थी, क्योंकि वो रियल पेन नहीं होता था, वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते थे और कभी कभी गैस की वजह से भी पेन होता था. तो बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज होती है ये 9th के बाद से. बट अब मुझे पता चल गया कि लेबर पेन कैसा होता है, क्योंकि मुझे इधर उधर से नॉलेज अब मिलती जा रही है, अपनी मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, मेरी खुद की बहन से, मेरी मम्मी से, कि लेबर पेन ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, ये वो होता है. तो अब मुझे ये वाली कंफ्यूजन तो एटलीस्ट नहीं होती.
और अब मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी सिस्टर इन लॉ वो कह रही थी कि वो अपना फ़ोन अपने पिलो के साथ रख के ही सोते हैं कि कभी भी फ़ोन रात को बच सकता है। और वो ये भी कह रहे थे कि वो रात को उठ उठ के चेक करते हैं कि कहीं कोई फ़ोन तो नहीं आया, और वो काफ़ी कच्ची नींद में सोते हैं। तो इस टाइम से सारे रिलेटिव, सारे नियर वंस, सारे अलर्ट हो जाते हैं कि कभी भी वो टाइम आ सकता है। और अभी तक मैंने 13 kgs गेन कर लिया है फर्स्ट मंथ से लेके अब तक, तो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। एंड लुक एट माई डोले शोले गाइस, काफ़ी ज़्यादा फैट बढ़ता जा रहा है और उसको कट भी करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड बस इतनी बात करनी थी मुझे आपसे, बाकी बस घर में अब तैयारियाँ चल रही हैं हॉस्पिटल के लिए, बेबी के लिए। और अगर मेरा बेबी 2-3 दिन तक नहीं होता तो मैं आपके साथ एक और प्रेगनेंसी अपडेटेड वीडियो शेयर करूंगी, और अगर मेरा बेबी हो जाता है 2-3 दिन के अंदर ही तो ये वाली वीडियो ही लास्ट प्रेगनेंसी अपडेटेड वीडियो हो सकती है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और आज के लिए बस इतना ही, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।